तो लास्ट क्लास में हम किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद एक दो क्वेश्चन हमने किए भी थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ और क्लियर हो। टेन वोल्ट, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट। जैसे एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें अगेन हमें करंट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करंट इन 4 ओम, ये क्वेश्चन है। तो जैसे इसको कर देंगे, दूसरे मेथड भी हैं, बट क्योंकि अब यहाँ पे स्पेशली हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, तो अगर किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग चलूँ तो समझना बेटा, यहाँ से सपोज मैंने करंट आई यहाँ से फ्लो करवाया, इन दोनों में क्योंकि बड़ी बैटरी ये है तो इससे मैंने करंट फ्लो करवा दिया आई। मैं इससे भी फ्लो करवा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर। यहाँ पर करंट जब आई गया तो अब करंट के पास दो रास्ते हैं, तो सपोज़ यहाँ पर करंट गया आई वन, तो रिमेनिंग करंट आई माइनस आई वन यहाँ पर चला गया, फिर ये आई माइनस आई वन यहाँ से आता हुआ यहाँ पे अगेन ये दोनों मिलके आई वन और आई माइनस आई वन आई हो गए, और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे अगर किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करूँ तो लूप बनाने होंगे। जैसे मैंने बोला था, मैं पॉइंट को नाम देना स्टार्ट करना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब मैं जैसा चाहे वैसा लूप बना सकता हूँ। यहाँ पे मुझे जितने अननोन हैं उतने ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दो अननोन है, आई और आई वन, तो मुझे यहाँ पे कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, और अगर मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो लूप बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहला लूप बनाता हूँ 1, 2, 5, 6, 7, 1, मतलब ये वाला लूप। तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं V1 बोलूँ तो V1 माइनस 3I माइनस 4I1, यहाँ पे आ गया बेटा मैं, प्लस 10 इज इक्वल टू V1। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आई बेटा, इक्वेशन आई मेरे पास 3I प्लस 4I1 इज इक्वल टू 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड लूप की अगर मैं बात करूँ तो मैं सेकेंड लूप बोलता हूँ 2, 3, 4, 5, 2, यानी मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। तो चेक करना, इसको स्टार्ट करता हूँ V2 माइनस 2 इंटू आई माइनस आई वन माइनस 5 इज इक्वल टू V2, सॉरी माइनस 5 फिर यहाँ से प्लस 4I1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी बेटा, चेक करना, यहाँ से इक्वेशन बनी प्लस 6I1 माइनस 2I इज इक्वल टू 5, ये बनी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो मैं इनको सोल्व करके आई और आई वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये समझना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6I प्लस 8I1 इज इक्वल टू 20, और इस वाली इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 18I1 प्लस 6I इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड कर दूँ, माइनस है बेटा बीच में, दोनों को ऐड कर दूँ तो गया, तो 26I1 इज इक्वल टू 35। तो I1 इज इक्वल टू 35 अपॉन 26, और अगर I1 की वैल्यू आ गई तो ऐसे ही मैं I की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लूप लॉ से
किरचॉफ सेकंड लॉ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जितने इक्वेशन हैं, जितने अननोन हैं, उतनी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उतने ही हमें लूप बनाने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला, क्योंकि जब जब हमें यहाँ पे जैसा दिख रहा है साफ साफ कि जब जब हमें यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करना पड़ेगा, तब तक हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और टाइम बढ़ेगा। तो हम इसका यूज़ मिनिमम करेंगे, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। जैसा अभी जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, 10, 3, 4, 2 और 5। अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो देखना थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है 0, 0, 0, 10, 5, इसको एक्स बोल दूं। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे इस एक्स वाले पे जैसे मैंने जंक्शन लगाया, मतलब यहाँ पे जाने वाला करंट I1, यहाँ जाने वाला करंट I2, यहाँ जाने वाला करंट I3, तो इस पर जैसे जंक्शन लगाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन क्या बोलूँगा मैं, चेक करना बेटा, समेशन ऑफ करंट 0 मीन्स टू से I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए, यानी x-0/4 प्लस x-5/2 प्लस x-, ये बेटा यहाँ पे 10 ही आएगा, x-10/3 = 0। चेक करो एलसीएम लेके, सोल्व करूँ 12 लेके सोल्व करूँ तो 12 में आएगा ये 3x, ये आएगा 6x-30 और ये आएगा 4x-40 = 0। तो ये आ गया 13x-70 = 0, x = 70/13। चेक करना मेरा काम पहले से ज़्यादा आसान हो गया। और यहाँ पे जैसे x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, जैसे मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब मैं किसी भी रेजिस्टेंस में करंट बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। आगे बढ़ते, एक बार दोबारा यही चीज़ बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे एक बार दोबारा इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करते हैं तो किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करने पे टाइम लगता है। तो अगर हम किसी और मेथड को यूज़ कर पाएँ, तो हमारे चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। खैर बढ़ते आगे। तो हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने पहले पढ़ा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, अब एक और बात, ये स्टार डेल्टा, इसमें वैसे यहाँ पे स्टार डेल्टा केवल एक ही चीज़ के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टार डेल्टा के बाद अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वीट स्टोन ब्रिज, और वीट स्टोन ब्रिज में जब अनबैलेंस वीट स्टोन होता है तो सोल्व करने में इसकी बहुत, मतलब इसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल होता है बेटा, स्टार डेल्टा में एक थ्योरम होती है जो हमारे सिलेबस के बाहर है, हमें तो केवल उसका रिजल्ट, पता होना चाहिए, तो बस उस रिजल्ट की बात ही करूँगा। जैसे इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा, जैसे मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। अगर मैं चाहूँ तो ये है डेल्टा, इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्टार में कन्वर्ट करने का मतलब बेटा इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब चेक करना इसको यूज़ कैसे करूँगा। ए पे बेटा यहाँ पे ए के, चेक करना इससे R1 R2 मल्टीप्लाई है, मतलब इसके पास में R1 R2, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाऊँगा R12। चेक करना बी पे 2 और 3 है, तो यहाँ पे लगाऊंगा R23। चेक करना सी पे 1 3 है, तो सी पे लगाऊंगा R13।
अब ये आर वन टू आर टू थ्री आर वन थ्री की वैल्यू क्या है, तो बेटा आर वन टू लिखूंगा आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बहुत सिंपल है याद करने का तरीका, बहुत आसान तरीका है बेटा। जैसे मुझे आर टू थ्री लिखना है तो क्या लिखूंगा, आर टू थ्री, तो सबसे पहले आर टू और आर थ्री का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी तीनों का सम। सिमिलरली अब आर वन थ्री लिखना है तो क्या लिखूंगा, आर वन आर थ्री आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है, मतलब मैं अगर मुझे कहीं पे ऐसा फिगर दिखता है तो मैं उसको उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे कहीं पे ऐसा फिगर दिखता है तो उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझना, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ए पे क्या, कौन से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, वन टू, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आर वन टू। सी पे कौन से जुड़े हुए हैं, वन और थ्री, तो चेक करो सी पे लिखा होगा आर वन थ्री। बी पे कौन से जुड़े हैं, टू थ्री, तो ये लिखा हुआ टू थ्री, और ये वैल्यू है आर वन टू आर टू थ्री और आर वन थ्री की वैल्यू। जैसे यहाँ पे सपोज वन टू लिखा हुआ है तो वन और टू को मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे तीनों ऐड होंगे। यहाँ पे टू थ्री लिखा हुआ है तो टू और थ्री को मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे तीनों ऐड होंगे। यहाँ पे वन थ्री लिखा हुआ है तो वन थ्री को मल्टीप्लाई करूँगा, बाकी नीचे तीनों ऐड होंगे। ये सिंपल जब मैं बोल रहा हूँ, इसका यूज़ मैं एक ही जगह लूँगा, और वो लूँगा जब हम यहाँ पे अनबैलेंस वी सिस्टम करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए ये हमारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर देता है। एक थ्योरम है ये स्टार डेल्टा थ्योरम, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट हमें क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी और इजी सोल्व करके दे देगी। इस कारण हम यहाँ पे इस चीज़ को समझा, हमने इस चीज़ को पढ़ा है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी, एक छोटा सा यूज़ कर लेते हैं इसका। जैसे मान लो जैसे ये दिया हुआ है टू फोर फाइव, ये ऐसा करता हूँ टू फोर फोर कर लेता हूँ इसको, ए बी सी। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, चेक करना। अब जब यहाँ पे लिखूँगा ए पे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, तो 4028 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना आर वन टू, तो आर वन टू क्या होगा, वन और टू, ये है बेटा इस बार, ये तो क्या बना आर वन, ये क्या बना आर टू, और ये क्या बना आर थ्री। तो चेक करना इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एट, वन टू की वैल्यू क्या थी बेटा, आर वन इंटू आर टू अपॉन तीनों का सम। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँ तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, यानी एट डिवाइडेड बाय तीनों का सम यानी टेन, तो ये तो आया एट बाय टेन। अब बी चेक करना, बी ये वाला है, अगर बी चलो जैसा था वैसे लिख देता हूँ, ये सी और ये बी, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी सिक्सटीन और डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तो ये बन गया आर टू थ्री 16 डिवाइडेड बाय 10। और ऐसे सी पे ये दोनों आर वन थ्री, तो आर वन थ्री क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं 8 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो इस तरह से मैं आप इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अभी बताऊँगा किस तरह से ये हमारे जो वीट स्टोन ब्रिज है उसको ईजी करने के काम आता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे अगला जो है हमारा वो है वीट स्टोन ब्रिज। तो वीट स्टोन अगर ब्रिज की बात करें तो वीट स्टोन ब्रिज में बेटा कुछ इस तरह का हमारे पास मान लो
ये है आर वन, ये है आर टू, ये है आर थ्री, ये है आर फोर और ये है आर फाइव। बेटा ये जो तुम्हें सर्किट दिया हुआ है पर्टिकुलर, इसी सर्किट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो तुम्हें सर्किट दिया हुआ है इसी सर्किट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज पॉइंट लिखता हूँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। अब यहाँ पे खास बात क्या, जनरली हमारे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आता है। खास बात समझना बेटा, सुनना ध्यान से। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, इफ वी बी बराबर वी डी, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो ये जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है कौन सा वाला, आर फाइव, बेटा इस आर फाइव रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और अगर सॉरी अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों तरफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो उसमें जाने वाला करंट जीरो, तो इस कारण इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन मैच हो जाती है, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन, बैलेंस व्हीट स्टोन। और अब इसमें ये जो R5 है इसका कोई रोल नहीं होगा, अब इसमें R5 जो है इसका रोल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा कब होगा, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कब होगा कि यहाँ पे इनका पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। थोड़ा इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कब होगा, जब यहाँ पे, अब यहाँ पे बुक्स वगैरह में थोड़ा अलग होता है, मैं थोड़ा सा अलग वे में बात करूँगा। जनरली क्या होता है, मैं यहाँ पे बोलूँगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होगा ना बेटा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आर टू आर फोर इज इक्वल टू आर वन आर थ्री, अगर ये हो गया तो ये कंडीशन मैच हो जाएगी, अगर ये हो जाता है तो ये कंडीशन मैच हो जाती है। तो अब यहाँ पे चेक करना है इसको, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा R2 टू अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर फोर, ये कंडीशन होती है। मैं इसके लिए बात करूंगा, बुक्स वगैरह में जनरली ऐसा होता है, बुक्स वगैरह में ऐसा होता है, इस रेजिस्टेंस को कई बार बोलते थे P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं S। तो चेक करो जो हमारा आ रहा है R2 टू अपॉन आर थ्री, यानी क्या बोलूँगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R1 वन अपॉन आर फोर आर अपॉन एस, ये। तो अगर ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन होगी यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, अगर ऐसा हो गया तो ये जो व्हीट स्टोन है बैलेंस व्हीट स्टोन होगा। और ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल भी होता है, ये हमारे यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। उसका यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, बाद में करूँगा, बट दिस इज नोन एज द बैलेंस व्हीट स्टोन। फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन पोटेंशियल ऑफ दिस टू पॉइंट्स आर सेम, एंड इन दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको हटा दूँ, R5 को हटा दूँ, तो चेक करना ये दोनों, यानी इसको हटा दूँ तो अब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो क्या होगा बेटा, वो होगा इन दो, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इन दोनों का मिला के R2 प्लस R3, ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी ये सर्किट यहाँ पे फिगर अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह का बन गया बेटा। ये तो बन गया R1, सॉरी R2, R3, ये बना R1 और R4, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल, तो हो जाएगा R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R4 डिवाइडेड बाय सम, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन है, इसके ऊपर जनरली हमारे को कई जगह क्वेश्चंस मिलते हैं और ईजियर आसान सा कंसेप्ट है। 99% हमारे पास जो व्हीट स्टोन भी जाता है वो बैलेंस व्हीट स्टोन आता है। अगर बैलेंस नहीं हुई होगा तो भी हम सोल्व कर सकते हैं, वो कैसे सोल्व करेंगे वो आगे की बात अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो आई थिंक ये क्लियर है बेटा, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
एक खास बात और बेटा, इसको अगर मैं यहाँ पे कई जगह बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे कुछ गैल्वेनोमीटर जो धारा करंट को मेजर करेगा उसकी बात करते हैं। मतलब सिंपल सी बात ही कहना चाह रहा हूँ, ये था R5 और ये थी मेरी बैटरी। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, किन दोनों को इंटरचेंज कर दूं बेटा, इसको और इसको। जैसे मेरे पास ये था ए बी सी डी, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करने का मतलब जैसे मेरा R1 R2 था, R3 था, R1 था, R4 था, R2 R1 R3 R4 बैटरी और R5। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम बैटरी की और जो R5 रेजिस्टेंस है उसकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं तो भी सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैटरी की और जो R5 था जिसमें कोई रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा था, इसकी अगर हम पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला, जनरली हमारे पास बैलेंस वाले ज़्यादा आते हैं। तो सपोज करो ये दिया हुआ है 210 20 4 और 20। अब जैसे की बात करते हैं, हमें यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो चेक करना, जनरली यहाँ पे जो होता है बुक्स वगैरह में होता है P/Q, जैसे इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं Q। तो अगर बात करता हूँ P/Q इज इक्वल टू R/S, सबसे पहले ये चेक करोगे P/Q इज इक्वल टू R/S चेक करो, तो चेक करना P की वैल्यू यहाँ पे, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S इक्वल आ रही है, तो बैलेंस है। लेकिन जैसा मैंने बोला, मैं यहाँ पे जनरली जो बात करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं बात करूँगा 2 × 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 10। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये बैलेंस फीस स्टोन है, और बैलेंस फीस स्टोन है तो ये बेकार हो गया। अब अगर ये बेकार हो गया तो चेक करना, ये दोनों सीरीज में आ गए तो ये 12 है, ये दोनों भी सीरीज में आ गए ये 24 है, तो बेटा ये आपस में पैरेलल डिवाइडेड बाय 24 + 12। तो 12 × 24 डिवाइडेड बाय 36, 3 बार गया और ये गया 8। तो इसका जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो 8 आ गया। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है ये सारे रेजिस्टेंस है R, यानी सबकी वैल्यू इक्वल है। तो चेक करना यहाँ पे, अगर ये ऐसा फिगर दिया हुआ है तो ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन है,
और समझाते हैं आप पे कैसे। जैसे सपोज करो ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए सी, इसको नाम दिया डी। अब यहाँ पे लिखता हूँ ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो चेक करना ये है ए और सी के बीच में, ये है सी और डी के बीच में, ये है ए और डी के बीच में, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी ए है बेटा। ये है डी और बी के बीच में, ये है बी, तो ये वाला है सी और बी के बीच में। तो ये एक बैलेंस फ्री सिस्टम बन गया बेटा। और अगर बैलेंस फ्री सिस्टम बन गया और इसमें सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो यहाँ पे आर इक्वलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, आर के। चेक कर लो, ये हट जाएगा यहाँ पे। अगर ये वाला हट जाएगा तो ऊपर वाला 2R, नीचे वाला भी 2R, डिवाइडेड बाय इन चारों का सम यानी 4R। तो कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर। तो इस तरह से यहाँ पे ये बैलेंस व्हीटस्टोन की बात की जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है ए, ये है बी, आर 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 और आर। बेटा ये जो दिख रहा है फिगर, ये भी अगेन बैलेंस फ्री सिस्टम है। और कैसे तो समझाता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने इसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालना है, किन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसको नाम दिया मैंने सी और इसको नाम दिया ना डी। तो अब इस फिगर को अगर दोबारा रिड्रॉ करूँ तो चेक करना, मैं एस एस को रिड्रॉ कर सकता हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चेक करो बेटा, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस आर है। मैंने क्या करा, ये जो था ए वाले को, इसको यहाँ से ऐसे पलट दिया, इसको यहीं पे फिक्स रखा सी ओ डी को, ये सी ओ डी को फिक्स रखा, इसको यहाँ से उठाया ऐसे गिरा दिया। तो ये फिगर बन जाएगा मेरा, और ये फिगर बन जाएगा। तो चेक करना यहाँ पे फिर दोबारा, ये बैलेंस फ्री सिस्टम है तो ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो गया। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अगेन आर। तो जनरली बैलेंस फ्री सिस्टम के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो इजी होते हैं, आसान होते हैं। थोड़ा सा टिपिकल काम जब होता है, जब अनबैलेंस फ्री सिस्टम हो, तो उसकी बात करते हैं।